जय श्री राधे दोस्तों, केपी कीवानी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी कीवानी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दांपत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 5 राशि मिथुन, सिंह, कन्या, तुला और कुंभ की भविष्यवाणी की जानकारी आपको प्राप्त होगी। यह जानकारी आपको ग्रह गोचर की स्थिति और प्रकांड पंडित की भविष्य गणना के अनुसार दी जा रही है। इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव ग्रह की स्थिति और व्यक्ति के कर्म अनुसार हो सकता है। हालांकि भविष्य गणना में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज से कोई गलती हो जाती है तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो जरूर दें। आपके परामर्श और सलाह का मुझे इंतजार रहेगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से निशुल्क दिया जाता है। आप सवाल पूछने में जरा भी संशय ना रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं के लिए समर्पित है। ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई देने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। जल्द आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियोज में दिया जाएगा, ताकि आप केपी की वाणी से जुड़ सके। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए अब आज का राशिफल जानते हैं। मिथुन राशि का कैसा रहेगा आज का दिन? तो आज के दिन मिथुन राशि के जातकों के अंदर भावुकता रहेगी, दांपत्य जीवन मधुर रहेंगे, प्रेम विवाह को पारिवारिक सहमति मिल सकती है। यानी अगर किसी जातक की शादी की बात चल रही है तो उन्हें माता पिता की सहमति मिल सकती है। संतान की शिक्षा में उन्नति होगा, आपकी सामाजिक छवि में सुधार होगा, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, इससे आय का साधन भी बढ़ेगा। सिंह राशि का कैसा रहेगा आज का दिन? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का आज का दिन सही समय है। आप अपने दिल की बात किसी से आज जरूर कहें। संपत्ति संबंधी कार्यों में आज आपको धन लाभ प्राप्त होगा। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील करना चाह रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। लोग आपसे बहुत उम्मीद रखेंगे और इस पर आप खड़े उतरेंगे। जीवन के अनुभवों से सबल मिलेगा और आप आगे बढ़ने में सफल होंगे। आय के नए स्रोत विकसित होंगे। किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात हो सकती है। सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आज के दिन और शाम तक आपको सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि का कैसा रहेगा आज का दिन? जॉब के लिए ऑफर लेटर मिल सकता है, यानी कि अगर कोई जातक नौकरी की तलाश में है तो उन्हें आज नौकरी मिल सकती है। वकालत और अकाउंटेंसी से जुड़े लोगों को कैरियर में अच्छी सफलता आज मिलेगी। आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी, यानी अगर आप किसी क्षेत्र में जीवन तलाश रहे हैं तो आज आपका दिन शुभ है। नए दोस्त बन सकते हैं सोशल साइट से, आपके लिए आज का दिन शुभ है। किसी नए साथी से आपकी मुलाकात और बातचीत हो सकती है। शाम के समय अपने बच्चों के साथ समय बिताएंगे, ऐसा योग बन रहा है। तुला राशि का कैसा रहेगा आज का दिन? आज के दिन तुला राशि के जातकों की कार्यशैली में सुधार आएगा। जोखिम भरे निवेश से भी लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई जातक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी व्यवसाय में पैसे लगाए हैं तो उन्हें जोखिम होने के बाद भी धन लाभ प्राप्त होगा। परिश्रम का यथोचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा, यानी कि आप आज जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार से आपको फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। हालांकि लाभ जरूर प्राप्त होगा। आज मानसिक अशांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर भी आज सतर्क रहें। अस्वस्थता के कारण मन खिन्न सा बना रहेगा। घर की साज सजावट में धन खर्च हो सकता है। कुंभ राशि कैसा रहेगा आज का दिन? कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। दोपहर तक आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज थोड़ा सा विचारने वाला दिन है। अगर आप किसी विषय पर ज्यादा ही गंभीर तर्क वितर्क प्रस्तुत कर रहे हैं तो आज के दिन के लिए उसे टाल दें। अनावश्यक दिमाग किसी भी विषय पर ना लगाएं। अनावश्यक चीजों में दिमाग ना लगाएं, इससे आपको मानसिक अशांति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। शाम के बाद कार्यों में गड़बड़ी आ सकती है, यानी कि शाम के बाद कुछ स्थिति आपके विपरीत भी जा सकती है, तो इस समय अपने मानसिक संतुलन बनाए रखें। झूठे प्रलोभनों से बचें। अगर किसी से कोई झूठे वादे कर रहे हैं उनसे बचें, न किसी से लेन देन करें। प्रेमी जन को समय देने के लिए शुभ रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। किसी धार्मिक स्थल पर जाने की तैयारी हो सकती है। आप अपने परिवार के साथ किसी मित्र के घर पे भी जा सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। आय का स्रोत आज बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी और व्यय कम होगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ही ले। अगर इसके अतिरिक्त अगर आप इसे मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। और इसके लिए आप किसी नजदीक के
प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं, आप केपी की वाणी से भी जुड़ सकते हैं और कमेंट के जरिए अपनी जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। माता रानी कृपा आप पर बनी रहे, माता रानी आपको ढेर सारी खुशियां दे और सुंदर सी दुनिया दे। कल तक के लिए इजाजत दे, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।